सर, एक बड़ा बवाल चल रहा है, एक नई उम्मीद दिखी है। द कश्मीर फाइल्स की तरह ही द केरला स्टोरी नामक एक फिल्म आई है, और इस फिल्म से जिहादियों में एक खौफ कह लीजिए, एक विद्रोह का माहौल हो गया। पता नहीं इस फिल्म को लेकर जिहादियों को क्यों लगता है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। कमाल की बात यह है कि केरला हाई कोर्ट ने जिस बात को कहा था, वही बात उसी आधार पे फिल्म है। लगभग लगभग केरला हाई कोर्ट ने पहली बार हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, ये केरला हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि लव जिहाद जैसी चीज है, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट जैसे हमेशा हाई कोर्ट को गला दबाता है, इसको बदल दिया। और जिस मामले में केरला हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिकल फैसला था, यदि केरला हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा होता, तो जो हजारों की संख्या में हिंदू लड़कियों का, खास करके केरल से, उनका धर्मांतरण करा करके, शादी का प्रलोभन दे करके जिस तरह से तैयार किया गया था इशरत जहान को, इस तरह ले जाया जाता है, फिर वहां क्या होता है। मुझे लगता है हम लोगों ने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन इसका जो टीजर आया है उसे, अभी प्रोमो भी नहीं, टीजर आया है उसे लगभग 61,000 लोगों ने देख लिया है 24 घंटे के अंदर। आप बताओ, नहीं, 61 लाख, 63 लाख। सॉरी सॉरी, 61 लाख लोगों ने देख लिया है, 61 लाख लोगों ने देख लिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बड़ा, बहुत बड़ा पोल खोलेगा? और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से, अक्सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार कहा था, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि ये कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, तो क्या वो जो सच केरल हाई कोर्ट में से आ रहा था उसे दबा दिया गया, और इस फिल्म के माध्यम से वो बेनकाब होंगे, वो पूरा माफिया गैंग? हाँ मनीष जी, दर्शकों से कहूँगा कि सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म का जबरदस्त प्रचार करिए। हालांकि समझिए, अभी 24 घंटे में 63 लाख लोग देख चुके हैं उसको, उसके ट्रेलर को, तो समझिए कि लोगों में कितनी उसको लेकर जिज्ञासा है, जागरूकता है। और ये मनीष जी, निश्चित मान लीजिए कि कश्मीर फाइल्स के आने के बाद जैसा तहलका मचा था, उससे दुगुना तहलका इस द केरला स्टोरी के आने के बाद मचेगा। उसका कारण बता दे रहा हूँ कि अभी भी जो लोग सोशल मीडिया पे, इस तरह से हम लोग जान जाते हैं, जिनको लिखने पढ़ने का शौक है, लेकिन अभी भी जनता उस सच से बिल्कुल अनजान है, कतई उसको कुछ भी नहीं मालूम है इस बारे में, जो सच वो फिल्म के माध्यम से अब सामने आने जा रहा है। उसका कारण है मनीष जी, जरा समझिए कि कश्मीर में और कश्मीर का जो घटनाक्रम था, कश्मीर की जो हिंसा थी, और इसमें अंतर क्या है। ये कश्मीर में आतंकवादी आए थे, उन्होंने 1 महीने 2 महीने के अंदर ही सारा तांडव कर डाला, ज्यादा से 3 महीने का उनका कालखंड था, और उसको पूरे देश ने तब भी देखा सुना था। ऐसा नहीं था कि वो लोग जानते नहीं थे। यह है कि उस समय कायर सरकारें थी, नपुंसक सरकारें थी, बेशर्म सरकारें थी, और सीधे सीधे एक तरफा कार्रवाई वाली सरकारें थी। वो बिल्कुल शांत रही, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे लोगों को आक्रोश भी था, लेकिन वो सच छुपा हुआ नहीं था। वो लोग जान रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ। वो कश्मीर फाइल्स ने दिखाया था उसको, कितने लोगों ने पसंद किया वो तो सब जानते हैं, प्याज बना उससे। लेकिन मनीष जी, जो केरला का सच सामने आने जा रहा है, इसको अभी मेरे ख्याल से 70% हिंदुस्तान जानते ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है। कि दर्शक जान ले कि 32,000 थोड़ी मोड़ी संख्या नहीं है, ये इसके कई पहलू हैं। इसीलिए खैराती बहुत बुरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था नवंबर में, तब कांग्रेस ने, वहाँ कम्युनिस्टों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था कि इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। केरला सरकार ने तो FIR करा दी थी, वहाँ के DGP ने कहा था कि इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो ये इस स्तर पर नंगे ही उतर आए थे। और उसका मैंने कहा था मनीष जी, कि कारण यह है कि जरा दर्शक समझे कि केरल में कोई भाजपा की सरकार नहीं थी या केजरीवाल की सरकार नहीं थी, केरल में लगातार कांग्रेस और कम्युनिस्टों की ही सरकार रही है। और इधर तो समझिए पिछले 6-7 साल से लगातार कम्युनिस्ट हैं, और इन्हीं कांग्रेसी और कम्युनिस्टों के शासन काल में 32,000 हिंदू लड़कियां गायब हो गई। और जब उसमें से कुछ कुछ जिन्होंने जब अपना मुंह खोला, तो पता ही लगा कि उन 32,000 लड़कियों का वो लव जिहाद के जरिए या कोई और प्रलोभन दे के किस तरह से बरगला के उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और उनको ISIS के आतंकियों के पास भेज दिया गया। मनीष जी, वो घरेलू लड़कियां वहां के लड़ने गई थी, सीधे सीधे यह है कि उन जो ISIS के आतंकी थे, उनके लिए
वेश्या बना के उनको समझिए एक तरह से भेजा गया। उन लड़कियों ने अपने अपने बयान दिए हैं कि किस तरह से उनका यौन शोषण कई कई लोग करते थे। उसमें एक लड़की जो उसमें है वो हिंदू थी, उसको किस तरह से किया गया उसी को बेस बना के उन्होंने पूरी कहानी बनाई है और बड़ी रिसर्च के बाद ये फिल्म बनी है। तो इनको डर ये लग रहा है कि एक तो सेकुलरिज्म का जो पर्दा डाले हैं उस पर्दे के चिथड़े उड़ जाएंगे इस पिक्चर में, एक चिंदी नहीं बचेगी, जैसे कह रहे हैं ना रुई धुनी जाती उस तरह से पर्दा फटेगा ये। सेकुलरिज्म के नाम पे क्या पाप हो रहा है इस देश में और हिंदुओं के साथ हो रहा है कि 32,000 लड़कियां, मनीष जी जरा सोचिए कि 32,000 परिवार क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, उन लड़कियों पर क्या बीती होगी। और वो पाप इसलिए इनके मत्थे आ जाता कि इन्हीं का शासन था, यही कांग्रेस का शासन था, यही कम्युनिस्टों का शासन था, इनके शासनकाल में हिंदुओं के साथ किस तरह का राक्षसी अत्याचार हुआ, किस तरह की साजिश को अंजाम दिया गया और एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। मनीष जी इसका मतलब ये कम्युनिस्टों की सरकार रही हो चाहे कांग्रेसियों की सरकार रही हो, उन 32,000 लड़कियों, ये 32,000 लड़कियां तो सामने है समझिए केस, कि उनके शोषण में, उनको गायब करने में, उनके धन परिवर्तन में इन कांग्रेसियों का, इन कम्युनिस्टों का भरपूर शामिल थे साजिश में। ये पिक्चर इस बात को बताएगी, इस वजह से इनके आग लगी हुई है। इन्होंने FIR तक कराई लेकिन वो खैर अदालत में जीत गए हैं। 5 मई को वो रिलीज होने जा रही है, केवल ट्रेलर ही देख लेंगे तो आप लोग रोए खड़े हो जाएंगे कि क्या हुआ है केरल में। तो बेहतरीन पिक्चर बन रही है और उसको लेके ये इन्होंने नंगराज कल से ट्रेलर शुरू हुआ है तो इन्होंने फिर शुरू कर दिया कि ये बेमनस्ता फैल जाएगी। इनको सच से डर लगता है, कश्मीर फाइल्स में जो कुछ था, जो सारी घटनाएं थी उस समय भी लिखी पड़ी गई थी अखबारों में, वो सच था। ये सच से डरते हैं, ये समझ लीजिए किस टाइप के पापी लोग हैं, इनको सच से बड़ा डर लगता है। ये है तो केरला के वाली जो स्टोरी है उसको दर्शक खुद तो देखे ही देखें और उसका प्रचार जमकर करिए। 5 मई को आना, तब तक हर आदमी की जुबान पे होना चाहिए कि क्या फिल्म आने जा रही हो। बिल्कुल, और इससे वो सच सामने आएगा और लोग ये जान पाएंगे, क्योंकि कई लोग इस तरह के स्टेट में, जो वामपंथी स्टेट होते हैं, इस तरह के स्टेट में लोग बोल नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है कि फिल्म आम आदमी के लिए आवाज बन करके आएगा? और अदालत के जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसे लव जिहाद मानने से मना किया और पति पत्नी बता दिया, उस सुप्रीम अदालत की भी कम से कम आंख खुलेगी इस बात से, ऐसी उम्मीद की जाए। क्योंकि बड़े पैमाने पे जो मेरे केरल के कई सारे जर्नलिस्ट साथी हैं जो पुराने, वो आज मुझे याद है कि मुझे 2 दशक पहले जब हम लोग लोअर कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे, केरल के जो हमारे जर्नलिस्ट साथी थे वो अक्सर ये बात बताते थे कि बड़े पैमाने पे धर्मांतरण वहां हो रहा है। ये मैं 20-21 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। वो बताते थे कैसे धर्मांतरण हो रहा है, कैसे पूरे अरब देशों में केरल के लोग जा रहे हैं, महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, पुरुष चले जाते हैं और फिर उन पुरुषों के माध्यम से ही, मुझे लगता है इस फिल्म में है या नहीं है, लेकिन मुझे याद उससे बताया जाता था कि महिलाएं अकेली रहती हैं, उनके पति चले जाते हैं, वो 2-3 साल तक के बाद आते हैं, कई बार 2-3 साल तक, और नव विवाहता के साथ ऐसा होता है। उसके बाद वहां से उन सब का नंबर ये सब लेकर के पता किया जाता है कि कहां कहां किसकी किसकी पत्नियां जो है इस ढंग की, किस किस घर में महिलाएं हैं जो बिना पुरुष के हैं, और फिर उन्हें टारगेट किया था, मतलब शादीशुदा महिलाओं को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जाता है। हाँ मनीष जी, वो पूरे उस पूरे रैकेट को इस पिक्चर में एक्सपोज किया गया है, उसको उसको उजागर किया गया कि किस तरह से ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं है, ये एक संगठन बना के बहुत सुनियोजित साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और फिर उनको आतंकवादियों के पास भेज दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवा के, उनका ब्रेन वॉश करके। तो ये इसीलिए तो इस बात को, इस सच से ये इसीलिए डर रहे हैं, इस बात को ये इनको हजम नहीं हो रही कि ये सच दुनिया को पता चलेगा। आपने कहा मनीष जी सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल जाने की, नहीं उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। देखिए वो कहावत है कि जो आदमी सो रहा हो उसको आप जगा सकते हैं लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसको आप कभी किसी हालत में नहीं जगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट तो मुझको देखिए अभी इस फिल्म को आने दीजिए उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन मनीष जी इस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसियों कम्युनिस्टों ने एक सवाल एक और खड़ा कर दिया है। ये जो मैंने कहा कि सबसे इनको डर लगता है, सबसे तिलमिला जाते हैं इस देश में। मनीष जी सुल्ताना डाकू की फिल्म बनी, उसका विरोध नहीं हुआ। इस देश में फूलन देवी फिल्म बन गई, उसका विरोध नहीं हुआ। पुतली डकैत, पुतली भाई पुराना नाम है, पुराने लोग जानते कि वो कितनी कैसी थी, उस पर फिल्म बनी, उसका विरोध नहीं हुआ।
दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बनी, महिमा मंडन करती हुई बनी, वो राम गोपाल वर्मा यही धंधा करता है, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा ये वही धंधा करते हैं, उसका विरोध नहीं हुआ। ये जावेद अख्तर ने बकायदे हाजी मस्तान पे कहानी लिख दी, हाजी मस्तान पे फिल्म बनी, वो जो दीवार है वो हाजी मस्तान स्मगलर की कहानी है, बकायदे इसका खूब प्रचार किया गया, उस पर कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर का सच बन अगर आने लगा सामने, तो पार्टियां खड़ी हो गई, वो पार्टियां खड़ी हो गई जो सेकुलर अपने आप को कहती हैं। केरल का सच सामने आ रहा है तो ये वो पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जिनके लिए कोई धर्म से मतलब इनका नहीं है, इनको आग लगने लगी, क्योंकि उसमें सीधे सीधे इस्लामी आतंकवादियों की चेहरे बेनकाब होते हैं, उनका साजिश बेनकाब होती है, उनके उनका चरित्र बेनकाब होता है, चाल चेहरा चरित्र सब नंगा हो जाता है, और उनके संरक्षक के रूप में यही लोग उभर के आते हैं, यही जो नेता विरोध कर रहे हैं, इस वजह से ये पूरी तरह ताकत झोंके हैं कि किसी तरह इस फिल्म को रोका जाए। अभी से इन्होंने नाटक शुरू कर दिया, अभी देखिए 2-3 दिन में और सामने आएगा। और सबसे खास बात मनीष जी, कि सलमान खान की फलानी फिल्म आ रही है, शाहरुख खान की फलानी फिल्म आ रही है, आमिर खान की फलानी फिल्म आ रही है, इस पर महीना 2 महीना पहले से नाचने लगते हैं न्यूज चैनल वाले, ये खैराती दिल्ली मीडिया, लेकिन केरल फाइल्स का आप कहीं जिक्र नहीं सुन रहे होंगे, किसी चैनल पे इस फिल्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उसमें वो माल दे नहीं सकते इनको, और दूसरे वो जो एजेंसियां हैं जो ऊपर बैठे हुए ना कठपुतलियां, ये लोग तो कठपुतलियां हैं जो इनको फाइनेंस करती हैं, वहां से आदेश होगा कि इस पिक्चर को डाउन प्ले करो, जैसा कश्मीर फाइल्स के साथ किया गया था। लेकिन पब्लिक के समर्थन ने इनकी धज्जियां उड़ा दी थी, इनकी मजबूरी हो गई थी कि फिर ये कश्मीर फाइल्स का नाम लें, तो वैसे ही अभी देखिए कहीं पर भी आपको केरला स्टोरी की जिक्र नहीं हो रहा है, और शाहरुख और सलमान और आमिर की फिल्मों के लिए महीनों पहले से नाचना शुरू कर देते थे। तो ये इस तरह की साजिश को समझना पड़ेगा। और सबसे खास बात है मनीष जी, ये इसका तो विरोध ये कर रहे हैं जो सच है, दस्तावेजी सच है, हाई जैसे अभी आपने कहा हाईकोर्ट का निर्णय है, ये लव जिहाद चल रहा है, लेकिन कश्मीर के आतंकवादियों के महिमा मंडल में जो फिल्में बनी, आप पिक्चर बता दूं, मेरे ख्याल से इस अनुराग कश्यप की पहली पिक्चर थी, मैं बड़े उससे देखने गया था क्योंकि तब तक इसको जानता भी नहीं था, नया नया था, पहली पिक्चर थी इसकी, कि वो आई थी ब्लैक फ्राइडे करके, और बम्बई बम विस्फोट के ऊपर वो फिल्म, और मनीष जी मुझको पूरी पिक्चर देखना मुश्किल हो गया उस फिल्म को, अब तो है आप लोग यूट्यूब पर भी मेरे ख्याल से पड़ी होगी, अब तो देख सकते हैं, कि उस पिक्चर को देखने के बाद मनीष जी आपको ये लगेगा कि जिन जिन आतंकवादियों ने बम्बई को तहस नहस कर दिया था, 12 जगह बम विस्फोट करके धज्जियां उड़ा दी थी, 250 आदमी मर गए थे, उस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बेचारे बड़े मासूम थे, ये तो वक्त के मारे हुए थे, ये ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि इनको ये करना पड़ा, इसकी दोषी तो हिंदू है, वो फिल्म ये मैसेज दे रही थी। और उसके अलावा आप चाहे आमिर खान की फिजा आई हो, गुलजार की माचिस आई हो, ये विनोद चोपड़ा की शिकारा आई हो, लाइन लगी हुई है ऐसी फिल्मों की जहां पे कश्मीर के आतंकवादियों का, पंजाब के आतंकवादियों का गजब का महिमा मंडन, गजब, तब इनको आग नहीं लगती ये क्या कर रहे हो, जहां पे तुम सेना को और पुलिस को खलना है, माचिस जो है मनीष जी पंजाब के आतंकवाद पर बनी थी ये, और उस समय बनी थी जिस समय केपीएस गिल पंजाब से आतंकवाद का खात्मा कर रहे थे, और उस समय इस गुलजार ने पिक्चर बनाई थी माचिस, और वो फिल्म भी मैंने देखी है, तो उसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे आतंकवादी तो बेचारे कहीं दूध के धुले हुए हैं, और सारा अत्याचार पंजाब की पुलिस कर रही है, और ये जो आतंकवाद है ये पंजाब की पुलिस के कारण है, आतंकवादी नाम की तो कोई चीज ही नहीं, यहाँ तो बड़े निर्दोष नौजवान है जिनको पुलिस जबरदस्ती आतंकवादी बना रही है। तो इस तरह का मैसेज देने वाला, देशघाती मैसेज देने वाला, पाकिस्तान के पांव धो-धो के पीने वाला मैसेज जो फिल्में देती थी उनको ये इन्होंने कभी विरोध नहीं किया, ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना कम्युनिस्टों ने विरोध किया, ना दिल्ली के दलालों ने विरोध किया। ये कुबुद्धिजीवी कल या परसों जो प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि कुछ कुछ बुद्धिजीवी भी ठेका लिए हुए हैं जो चोरी नहीं कर पा रहे, जिनके भ्रष्टाचार पर मैंने रोक लगा दी है, तो ये सब नाचने लगते हैं। वो बड़े बड़ी बिंदी गैंग कहाँ है मनीष जी? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तख्ती लेके बड़ी बिंदी गैंग, हाँ वो बड़ी बिंदी गैंग एक एनजीओ वाला है, कोई नहीं नजर आता, कोई नहीं नजर आता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लट्ठे लेके घूमते हैं ये, कोई अगर इनकी किसी फिल्म को बैन की बात हो जाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे बड़े ठेकेदार हो जाते हैं,
अब वो केरला स्टोरी का जो विरोध हो रहा था उसके लिए क्यों नहीं आ रहा निकल के सामने? कहाँ है वो जावेद अख्तर, कहाँ है वो नसीरुद्दीन शाह, और कहाँ है ये आमिर खान? क्यों नहीं खड़े हो रहे इस फिल्म को रिलीज होने दो? ये दोगले हैं और पूरी तरह से भारत विरोधी हैं। इनको हर वो चीज से इनको उलझन होती है, परेशानी होती है, जहाँ पे भारत का पक्ष सामने आ रहा होता कि भारत के साथ कैसा अत्याचार किया गया या कैसा अत्याचार किया जा रहा है। और केरला स्टोरी उसी का एक उदाहरण है। मेरी भी शुभकामनाएं उस फिल्म के निर्माता को कि सुपर हिट हो गई पिक्चर, और हम लोगों का दायित्व कि कम से कम जितने लोग जानने वाले उनको जरूर प्रेरित करें कि इसको देखो जरा, तुम्हारे सामने सच आएगा कि इस देश के साथ हुआ क्या है और इस देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है।